अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से पूरे विद्यालय में बच्चों के आने पर रोक है, पर वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों तक कंप्लीट मटेरियल पहुंचाने का प्रयास है। उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आएगी। इसे सभी बच्चों तक पहुंचाने में आप मदद करेंगे, अपने सभी ग्रुप में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू। और एसएसटी के सबसे बेस्ट मेंटर्स में से एक है, दिल्ली के सीबीएसई के एससीईआरटी के मेन फैसिलिटेटर है। आज हमें सर एसएसटी के मेन टिप्स एग्जाम के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो हमें कराएंगे। सर का मोस्ट वेलकम, मैं स्वागत करता हूँ। बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा ये सेशन। एसएसटी का पूरा टॉपिक पूरे फर्स्ट हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी से लेकर इकोनॉमिक्स तक आज पूरा का पूरा कराएंगे। इसको हम बेशक चार किस्तों में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में थोड़ा सा जल्दी में रिकैप करने की कोशिश करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। चार किताबें हैं और चार किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन 20-20-20 नंबर में है। 20 नंबर में आपकी लोकतांत्रिक राजनीति है, 20 नंबर में आपकी इतिहास है, 20 नंबर आपका अर्थशास्त्र है और 20 नंबर आपका भूगोल है। तो सबसे पहले हम 20 नंबर की लोकतांत्रिक राजनीति के ऊपर मैं बात करूं। आप लोकतांत्रिक राजनीति को देखें तो उसमें से 20 नंबर का हमारे फाइनल टर्म में आएगा। कुछ चैप्टर हमारे डिलीट हैं, वो चैप्टर जो फाइनल टर्म में नहीं आएंगे वो चैप्टर इसमें नहीं लिखे हैं। जो फाइनल टर्म में आने हैं वही पांच चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा सत्ता की साझेदारी। तो हम इस पे भी बात करते हैं। इसमें चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें जो पहली घटना है वो जो इवेंट बताया हुआ है वो है हमारा श्रीलंका और बेल्जियम का। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बेल्जियम मॉडल बेहतर है या श्रीलंकन मॉडल बेहतर था पावर शेयरिंग के लिए। तो बेल्जियम को समझना पहले जरूरी है कि बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक देश है जो चार देशों से लगभग घिरा हुआ है। उसमें एक तरफ है जर्मनी, एक तरफ है फ्रांस, एक तरफ है नीदरलैंड और एक तरफ है लग्जमबर्ग। तो जैसे ही कोई देश किसी देश से घिरा होता है तो उसकी भाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है उस पर। तो बेल्जियम की जब हम बात करें तो वहां जो अधिकतर भाषा बोलने वाले लोग थे वो लगभग 59% लोग जो थे वो डच भाषा नीदरलैंड की बोलने वाले थे। इसके अलावा 40% लगभग जो थे वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे और इसके अलावा 1% जो थे वो जर्मन भाषा बोलने वाले थे। दूसरी तरफ हम श्रीलंका मॉडल की बात करें तो वहां पर मुख्यतः तीन जातीय समूह या भाषाई समूह कहें जिसे, जिसमें एक सिहली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक थे और दूसरा जो तमिल भाषा बोलने वाले थे वो अल्पसंख्यक लोग थे। इसके अलावा बौद्ध और अन्य धर्म की भाषा बोलने वाले लोग भी थे। अब ये मेन क्वेश्चन इसमें जो आता है वो ये आता है कि श्रीलंका और बेल्जियम में से कौन सा मॉडल सबसे बेहतर है। तो हमें इसमें आंसर हमेशा क्या लिखना है कि बेल्जियम मॉडल हमें सबसे बेहतर लगता है क्योंकि वो सत्ता की साझेदारी को सही रूप से बताता है। अब क्यों बताता है और कैसे बताता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बेल्जियम में बहुसंख्यकों के स्थान पर अल्पसंख्यकों को भी सत्ता की साझेदारी में भागीदार बनाया। इसके अलावा उन्होंने व्यक्ति की गरिमा और भाषाई अल्पसंख्यता को ध्यान में भी रखा, जिसके कारण उनका मॉडल ज्यादा अच्छा था। इसके विपरीत अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने क्या किया, सिहली भाषा को अपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और तमिल भाषा जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको बहुत ही कम स्थान दिया, जिस वजह से वहां पर एक आतंकी समूह बन गया जिसका नाम था LTTE यानी तमिल लिबरेशन टाइगर इलम। तो इस वजह से श्रीलंका में जो था बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक यानी जो बहुत ज्यादा संख्या में थे और अल्पसंख्यक तमिल जो कम संख्या में थे, उनमें सत्ता संघर्ष मेजॉरिटी माइनॉरिटी में। तो इस तरीके से सत्ता की साझेदारी का पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा में इसमें क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो चार रूप होते हैं सत्ता की साझेदारी के। सबसे पहला होता है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। जैसे हमारे देश में तीन तरीके की पावर शेयरिंग है। सबसे पहला है आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका को हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी, न्यायपालिका को जुडिशरी और आपका विधायिका को लेजिस्लेशन। तो क्षैतिज रूप जो सत्ता का है वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, क्षैतिज रूप जो है आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में बटा हुआ है। दूसरा रूप है सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर रूप, जिसको हम वर्टिकल कहते हैं। तो उसमें हमारा जो सत्ता की साझेदारी है वो आपकी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार और प्रांतीय सरकारों को, जिसको राज्य वर्सेस प्रांतीय कह सकते हैं। इसके अलावा हमारा सामुदायिक या
कुछ सामुदायिक सत्ता में भी हो सकती है। सत्ता की साझेदारी का जो तीसरा रूप है वो है हमारा विभिन्न प्रकार के दबाव समूह। जैसे दबाव समूह शिक्षकों का एक दबाव समूह हो सकता है, डॉक्टर्स का एक दबाव समूह होता है, किसानों का दबाव समूह होता है, जो सत्ता की साझेदारी के लिए अपना अधिकार या हक मांगते हैं। तो इसमें ये भी आता है राजनीतिक दल और प्रेशर ग्रुप में क्या डिफरेंस है। हाँ, नहीं वो इस अब इस चैप्टर में हट गया, संघर्ष और आंदोलन वो उसमें था, प्रेशर दबाव समूह राजनीतिक दल हित समूह, वो क्रॉस सेक्शंस वो हट गया। अच्छा हुआ आपने बता दिया, बढ़िया। तब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके दो रीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है युक्ति परक और एक होता है नैतिक परक। युक्ति परक तो ये कहता है कि दिमाग से काम लेना है, यानी बहुसंख्यकों के हितों का ध्यान रखना है क्योंकि सत्ता चलानी है। लेकिन जो नैतिक फर्क होता है वो ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का भी ध्यान रखना है, यानी सरकार सत्ता की साझेदारी इस प्रकार करे जिसमें समाज के सभी वर्गों को स्थान मिले। तो बेल्जियम और श्रीलंका में अगर हम देखें तो बेल्जियम ने नैतिक परक मॉडल को अपनाया और श्रीलंका ने युक्ति परक मॉडल। अब एक और आखिरी इसमें क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है कि सत्ता को बांटा जाए। तो सबसे पहला है कि हर व्यक्ति की गरिमा को स्थान देना, वर्ग संघर्ष को कम करना, सत्ता के स्थायित्व के लिए, सभी की भागीदारी के लिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को झगड़ा जो है उसको खत्म करने के लिए। और एक सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, वो तभी संभव है जब सत्ता की साझेदारी हो। आपस में वैर वैमनस्य झगड़ा इन सबको दूर करने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो सत्ता की साझेदारी चैप्टर में हम इतने क्वेश्चंस हमारे लिए काफी है। उसके बाद है अगला चैप्टर हमारा संघवाद। संघवाद को समझने के लिए इसमें दो चीजों को समझना जरूरी है, एक होता है संघवाद और एक होता है एकीकृत व्यवस्था। संघवाद यानी फेडरलिज्म और एक दूसरी शासन व्यवस्था होती है यूनिटरी सिस्टम। तो संघवाद का मतलब है जहां पर दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें। अब ये दो और दो से अधिक प्रकार की सरकारें कैसे हो सकती हैं? भारत को अगर आप देखिए तो यहां पर एक सरकार है केंद्र सरकार जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, और दूसरी तरफ होती है राज्य सरकारें जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसे कहते हैं हम संघवाद, जहां पर शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बंटी होती हैं। इसी तरीके से दूसरी शासन व्यवस्था का जो रूप अभी हमने बात की वो है यूनिटरी मेथड पावर शेयरिंग, जिसको हम एकीकृत व्यवस्था कहते हैं, जिसमें सत्ता का केंद्र जो है वो एक ही स्थान पर होता है, जैसे यूएस अमेरिका में, या फिर हम इसको और दूसरे देशों में अगर हम कहें तो जर्मनी में। तो वहां पर सत्ता की जो साझेदारी है वो यूनिटरी फॉर्म में, एकीकृत व्यवस्था में है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? संघवाद में शक्तियां आपस में बटी हुई होती हैं, केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार स्पष्ट रूप से उल्लेखित होते हैं, जबकि अगर हम यूनिटरी एकीकृत व्यवस्था में देखें तो वहां केंद्र ज्यादा पावरफुल होता है और केंद्र की हर बात राज्य को माननी ही पड़ती है। संघवाद में लोगों के अधिकारों की सुरक्षा अगर हम देखें दूसरे रूप में तो वो ज्यादा दिखाई देती है, एकीकृत व्यवस्था में इसकी थोड़ी कमी दिखाई देती है। तो सत्ता की साझेदारी का अगर सही रूप देखें तो वो संघवाद में ज्यादा दिखाई देता है, जबकि एकीकृत व्यवस्था में उसको हम कम देखते हैं। संघवाद लोकतंत्र का एक सही रूप से रिफ्लेक्शन है, जबकि एकीकृत व्यवस्था में लोकतंत्र है लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में संघवाद। तो संघवाद में अगला हमारा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट बनता है वो ये है कि सूचियां कितने प्रकार की होती हैं। तो सूचियां जो है वो तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी केंद्र सूची, एक होती है हमारी राज्य सूची और एक होती है हमारी संवर्ती सूची। अब ये सूचियां क्या होती है? केंद्र सूची को संघ सूची भी कहते हैं, हाँ, इंग्लिश में इसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। यानी सीधा सा इसका अर्थ नाम से ही स्पष्ट है कि जिस विषय पर केंद्र कानून बनाएगा। अब रक्षा का मामला है, विदेश का मामला है, रेलवे का मामला है, वो केंद्र सरकार देखता है, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा पंजाब रेल नहीं होती, वो भारतीय रेल होती है यानी पूरे देश की, तो उसको केंद्र सरकार देखता है। इसी तरीके से रक्षा की कोई भी अगर डील करनी है तो वो केंद्र सरकार करती है। इसी तरीके से दूसरा विषय है राज्य सूची। राज्य सूची का स्पष्ट अर्थ है कि जिस पर राज्य कानून बनाए, तो जैसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग विषय दिए गए हैं, जैसे पूरे भारत में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा से संबंधित जो भी कानून होगा
वो राज्य को बनाने का उस पर समवर्ती वन है को समवर्ती में शामिल किया जो वन है वो आपका एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है शिक्षा कौन सी सूची में तो जैसे वन है स्वास्थ्य है पुलिस है ये सब राज्य सूची के विषय है। अब तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची वो होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो कुछ विषय जैसे शिक्षा है, जैसे शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो केंद्र सरकार ने बनाया, और कुछ और विषय जैसे जनसंख्या या बाकी स्वास्थ्य से संबंधित वो केंद्र का भी विषय आता है और राज्य का भी विषय आता है, तो उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची को हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो आपसे एक ये भी प्रश्न आ सकता है कि केंद्र सूची के कोई दो विषय बताइए, तो आप फटाफट बता सकते हैं रक्षा वित्त, राज्य सूची के विषय बताइए तो शिक्षा स्वास्थ्य पुलिस, और समवर्ती सूची क्या है तो शिक्षा भी आप उसमें शिक्षा स्वास्थ्य फिर से लिख सकते हैं। संघवाद और संघवाद के इसी पाठ में हम आगे और बढ़े तो इसमें संघवाद में पंचायती राज व्यवस्था एक तीसरा सत्ता की साझेदारी का रूप है। हमने केंद्र पढ़ा, केंद्र सरकार राज्य सरकार, और उसके बाद अब आपका है पंचायती व्यवस्था। ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन भारत में किया गया और उसमें पंचायतों को अधिकार दिया गया कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को और स्थानीय समस्याओं को सॉल्व कर सके। तो उसके लिए ये तीसरी प्रकार की व्यवस्था जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। गांवों में पंचायत होती है और शहरों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इस तरीके से व्यवस्था जो है वो तीसरे स्तर की सत्ता की साझेदारी का रूप है। अगला हम चैप्टर समझने की कोशिश करते हैं जाति धर्म व लैंगिक मसले। तो लैंगिक मसले हम पहले समझते हैं। लैंगिक मसले या लैंगिक भेदभाव क्या होता है? लिंग के आधार पर यानी पुरुष महिला या तीसरे वर्ग जिसको हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, उनके आपस में भेदभाव करने को हम कहते हैं लैंगिक भेदभाव। अब ये लैंगिक भेदभाव जो है वो किन रूपों में हमारे समाज में दिखाई देता है? तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर समाज में लैंगिक भेदभाव दिखाई देता है। जैसे अगर आप देखें महिलाओं के साथ कौन कौन से भेदभाव होते हैं, तो शिक्षा में उनको अभी तक पूर्ण रूप से उतना अधिकार नहीं मिला हुआ है। अगर हम देखें कि महिला की पोषण व्यवस्था को देखें तो वो उतना अधिकार नहीं मिला है। अगर हम संसद और विधानसभाओं में अगर हम देखें तो वहां पर भी अभी तक महिलाओं का जो है अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। संसद और विधानसभा में तो है नहीं ना, पंचायत में है। तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को अभी तक पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। हाँ, 73वां और 74वें संविधान संशोधन में पंचायतों में और नगर निगम में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो वहां महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान किए गए। किंतु फिर भी समाज में अगर हम देखें तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तीनों दृष्टियों से, चारों दृष्टियों से महिलाएं जो है आज भी पुरुषों से पिछड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि 10वीं 12वीं के रिजल्ट में लड़कियां हमेशा टॉप करती हैं, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाते जाते उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। तो ये एक तरह का लैंगिक मसला है कि लैंगिक रूप से उनके साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, शिक्षा के मामले में, चाहे स्वास्थ्य के मामले में, चाहे नौकरी के मामले में, चाहे कानून बनाने की प्रक्रिया संसद विधानसभाओं में। उसके बाद है हमारा, अब इस मुद्दे को हम कैसे सरल कर सकते हैं, इसको कैसे हल किया जा सकता है। तो दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो पहला कदम तो यही उठाया है कि पंचायतों में, नगर निगम में उनको एक तिहाई सीट्स उनके लिए रिजर्व रखी है, ताकि वो नगर निगम में और पंचायतों में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। दूसरा, शिक्षा के अधिकार के द्वारा 8वीं तक हर बच्चे, बालक और बालिका सबको शिक्षा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं तरीके हैं जिसमें उनको पोषण के लिए, उनके लिए बहुत सारे तरीकों को अपनाया गया है। महिलाओं को बहुत सारी नौकरियों में अलग अलग रूप से आगे बढ़ाने का प्रयत्न सरकार द्वारा किया जा रहा है, और महिला आरक्षण विधेयक जो है वो संसद और विधानसभाओं के लिए अभी पेंडिंग है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में उसके आने के बाद महिलाओं की स्थिति में और सुधार होगा। अगला हमारा इसी चैप्टर में है जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो सबसे पहले हम धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, और इस पार्ट में इंपॉर्टेंट यह है कि जो हमारा प्रश्न आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं कि धर्म किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है। और धर्म को अगर हम दूसरा नाम बोलें तो संप्रदाय होता है। अब प्रश्न ये आता है हमारे एग्जाम में कि सांप्रदायिकता क्या है और सांप्रदायिकता राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। तो सांप्रदायिकता
का अर्थ सरल रूप में ये सिर्फ इतना है कि जब हम अपने संप्रदाय यानी हम अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे धर्म को हम निम्न या निकृष्ट समझते हैं या निम्न तुच्छ समझते हैं तो उसे कहते हैं हम उसे हम कहते हैं कम्युनलिज्म। यानी जब हम अपने रिलीजन को सब सुप्रीम समझे और दूसरे को कम समझे इंफीरियर समझे तो उसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म। तो अब ये सांप्रदायिकता हमारी राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि पेपर में आपका प्रश्न सीधा सीधा ये आता है कि सांप्रदायिकता चुनाव को किस तरह प्रभावित करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। भारत की राजनीति को अगर देखें तो संप्रदाय हमेशा से राजनीति को प्रभावित करता रहा है। गांधी जी ने भी इस बात को कहा है कि संप्रदाय और धर्म को और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका प्रभाव हमारी राजनीति में भी देखने को मिलता है। कैसे, जब भी कोई उम्मीदवार पार्टी द्वारा खड़ा किया जाता है तो उसमें संप्रदाय को बड़ा ध्यान रखा जाता है। जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या जिस धर्म की होती है वहां पर उसी धर्म का कैंडिडेट या उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। दूसरा, कभी कभी सांप्रदायिकता धर्म जो है वो इतना हावी हो जाता है कि वो चुनाव में चुनावी हिंसा का रूप ले लेता है। इसी तरीके से इससे अल्पसंख्यकों के हितों का बहुत ही नुकसान होता है। ये एक तरीके से सांप्रदायिकता बहुसंख्यकवाद की ओर ले जाती है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्षति पहुंचाती है। तो आपस में वैर वैमनस्य बढ़ना, चुनावी हिंसा होना और इसके अलावा एक ही धर्म या को वोट देना, ये सब इस तरीके से सांप्रदायिकता जो है वो चुनावों को प्रभावित करती है, भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। सेम इसी तरीके से आपको जातिवाद वाला प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, उसमें भी यही प्रश्न आएगा कि जातिवाद क्या है और जातिवाद राजनीति को किस तरह प्रभावित करती है। तो आपको यही बताना है कि एक जाति जब अपने आप को श्रेष्ठ समझे और दूसरी जाति को निकृष्ट या निम्न समझे तो उसको हम जातिवाद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कास्टिज्म कहते हैं। तो कास्टिज्म किस तरीके से चुनाव में को प्रभावित करती है, जिस तरीके से हमने सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद को समझा उसी को ही हम कम्युनलिज्म को समझा उसी तरह से हम कास्टिज्म का भी आंसर अटेम्प्ट करेंगे। तो इस पार्ट में आपके ये तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। अब इन सभी मुद्दों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो ये पेपर में आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है ओपिनियन बेस्ड कि जातिवाद को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, सांप्रदायिकतावाद को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आप इसमें सबसे पहला ये लिख सकते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देके, शिक्षा को बढ़ावा देके ये छोटी मानसिकता से बचा जा सकता है। दूसरा, आप विज्ञापन के द्वारा टीवी में या बाकी किताबों में या पत्र पत्रिकाओं में प्रचार प्रसार के द्वारा भ्रामक विज्ञापन या भ्रामक चीजें जो इन चीजों को बढ़ा रही हैं उस पर कठोर कानून बनाकर किया जा सकता है। आपस में मिलजुल कर हम जातिवाद और धर्म वल इन मुद्दों को सरल कर सकते अवेयरनेस हाँ, के तो हम जागरूकता बढ़ाकर भी कैंपेन चलाकर भी जातिवाद और धर्म जो कम्युनलिज्म है उसको खत्म कर सकते। तो इसके बाद अगला पार्ट हमारा है राजनीतिक दल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और इसमें हमारे जो है कुछ 5-6 क्वेश्चंस इस पार्ट में बनते हैं और 2 क्वेश्चंस कम से कम हर बार इसमें से आते हैं। तो सबसे पहला इसमें ये आता है कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो राजनीतिक दल किसी ऐसे संगठन को कहते हैं जो इसीलिए इकट्ठा हुआ है ताकि वो सत्ता तक पहुंच सके। यानी राजनीतिक दल का उद्देश्य है कि वो सत्ता तक पहुंचे और सरकार बनाए, और अगर वो सरकार बना पाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो विपक्ष का काम करता है। तो राजनीतिक दल में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी राजनीतिक दल तब पूरा होता है जब उसमें 3 चीजें हो। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, किसी भी राजनीतिक दल में एक नेता होता है। फिर दूसरा होता है उसके सक्रिय कार्यकर्ता जो उसको पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा होता है उसके अनुयायी या फॉलोअर्स। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, नेता, सक्रिय कार्यकर्ता और अनुयायी फॉलोअर्स उसके। तो ये 3 चीजों से किसी भी पार्टी का गठन होता है। अब उसके बाद इसका अगला प्रश्न बनता है कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या है। तो ये प्रश्न भी आपका आ सकता है। तो राजनीतिक दल क्या काम करते हैं, जो हमने परिभाषा में समझा, राजनीतिक दल का कार्य क्या है, सत्ता तक पहुंचना यानी सरकार बनाना। तो पहला काम हो गया सरकार बनाना, चुनावों में भाग लेना, जीत जाने पर सरकार बनाना, हार जाने पर विपक्ष का की भूमिका निभाना, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना। अब बहुत सारे हमें कैसे पता चलता है कि संसद विधानसभाओं में क्या हो रहा है, तो विपक्षी दल हमें बताते हैं,
कि संसद विधानसभाओं में किस कानून को बनाया जा रहा है किस कानून को नहीं, तो ये राजनीतिक शिक्षा देने का काम भी राजनीतिक दलों का ही, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी आता है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है। तो राजनीतिक दल, अब दूसरा प्रश्न इसमें हमारा ये उठता है कि राजनीतिक दल होते कितने प्रकार के हैं। तो अगर हम इसको जनरली समझें तो संख्या के आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये तीन तरीके के जनरली देखे जाते हैं। पहला, एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें जिस देश में एक ही दल होता है। अब सोचिए अगर एक ही दल होगा तो क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें उत्तर कोरिया की, जहां पर किम जोंग है, तो एक दलीय व्यवस्था वाला देश है जहां पर सिर्फ एक ही दल है। पड़ोस में अगर हम देखें तो चीन हमारा एक दलीय व्यवस्था वाला है, जिसका अब आप सीधा सीधा इसके लाभ और हानि भी समझ सकते हैं। तो लाभ तो बहुत ही कम होंगे लेकिन हानियां बहुत सारी हैं। उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस वालों को शूट किया जा रहा है। तो इसकी सीधी सीधी हानियां जो है आपकी राजनीतिक दल में एक जो एक दलीय व्यवस्था है कि यहां पर तानाशाही ज्यादा होती है, लोकतंत्र बिल्कुल नहीं होता और भ्रष्टाचार ज्यादा होने की संभावना होती है। दूसरी व्यवस्था होती है द्विदलीय व्यवस्था, लोगों की स्वतंत्रता कम होती है। हाँ, द्विदलीय व्यवस्था वे देश जहां पर दो दल ही होते हैं वो द्विदलीय व्यवस्था है। अब इसका एग्जांपल आपसे पेपर में पूछ सकते हैं तो अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका में जैसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं तो वो द्विदलीय व्यवस्था है। इसके भी बहुत सारे लाभ और बहुत सारी सीमाएं हो सकती है। लाभ ये हो सकता है कि बहुमत आसानी से तय हो जाता है, एक या तो हारेगी एक या जीतेगी, सरकार का स्थायित्व होता है, डिसीजन लेना आसान होता है, तो ये सब इसके लाभ है। तीसरी प्रकार की व्यवस्था है बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है जहां दो या दो से ज्यादा पार्टियां होती हैं, उसको हम कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। इसके बहुत से लाभ हैं, जैसे चुनाव में आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा है, लोकतंत्र यहां पर ज्यादा गहरा होता है, व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें ज्यादा ध्यान रखी जाती है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक समानताएं यहां पर बाकी अन्य देशों के मुकाबले अन्य व्यवस्थाओं के मुकाबले यहां ज्यादा देखने को मिलती है। इसी प्रकार राजनीतिक दलों को हम दूसरे एक रूप में भी बांट सकते हैं, वो रूप है क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल। दोनों में अंतर भी आता है। क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। क्षेत्रीय दल वो होता है जो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है। अब क्षेत्रीय दल बनता कैसे है, अगर एक राज्य में किसी पार्टी को 6% सीट उस विधानसभा में मिलती, 6% वोट मिलते हैं और 4 कम से कम सीटें मिल जाती हैं, तो माफ कीजिए 2 सीटें मिल जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय दल। जैसे इस समय क्षेत्रीय दल कौन से हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है एक क्षेत्रीय दल है, पंजाब में अकाली दल एक क्षेत्रीय दल है, इसी तरीके से हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल आपका क्षेत्रीय दल, यूनाइटेड जो है वो क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल एक क्षेत्रीय दल है। तो आते हैं नाम, चुनाव चिन्ह भी याद करने हैं और नाम भी इनके याद करने हैं। अब राष्ट्रीय दल क्या होता है, राष्ट्रीय दल वो दल होते हैं, क्षेत्रीय दलों को प्रांतीय दल भी कहते हैं। राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, राष्ट्रीय दल वो होता है जो 4 या 4 से अधिक राज्यों में जिनका प्रचार प्रसार है और जिनको 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट व लोकसभा में कम से कम 4 सीटें मिली हो, वो आपका राष्ट्रीय दल होता है। तो इस समय राष्ट्रीय दल कितने हैं, किताब में हमें 6 दे रखे हैं लेकिन वास्तव में इस समय 7 राष्ट्रीय दल भारत में मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें सबसे पुरानी पार्टी के नाम से तो वो INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ है। दूसरा राष्ट्रीय दल जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है। तीसरा जो राष्ट्रीय दल है वो हमारा है BSP बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। चौथा जो राष्ट्रीय दल है वो तृणमूल कांग्रेस है, जिसका चुनाव चिन्ह फूल है। पांचवा राष्ट्रीय दल जो है वो है हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। छठा जो राष्ट्रीय दल है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी M, वो उसका चुनाव चिन्ह आपका हसिया हथौड़ा और सितारा है, CPIM। हाँ, और जो सातवां राष्ट्रीय दल है वो CPI है, इसका चुनाव चिन्ह हसिया और बाली है। तो आपको राष्ट्रीय दल का एक चिन्ह भी पता होना चाहिए, एक राष्ट्रीय दलों के नाम भी पता होने चाहिए और राष्ट्रीय दलों की एक एक विचारधारा भी पता होनी चाहिए। कई बार किसी एक पार्टी का वो भी पूछते हैं। तो आपसे अगर अब शॉर्ट में एक नंबर का पूछा जाए कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता और इन सब चीजों को आगे बढ़ाना, सबको साथ लेकर चलना। भाजपा जो है अति राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना, तो इस तरह। और बहुजन समाज पार्टी की जैसे जो विचारधारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, और आप इस तरीके से उनकी विचारधारा को एक एक पॉइंट में याद कर लीजिएगा।
राजनीतिक दलों का अगला प्रश्न जो है वो बनता है कि राजनीतिक दलों की समस्याएं या चुनौतियां क्या है। तो एक इसमें अलायंस भी, तो अलायंस गवर्नमेंट जो चल रही है वो भी तो आ रहा है आजकल, गठबंधन सरकार वो एक नंबर में आता है। वो वैसे इसमें इस पार्ट में भी आ जाता है, इस पार्ट में भी आ जाता है, खैर उस पर बात करेंगे। तो राजनीतिक दलों में जो है वो सबसे पहला प्रश्न है हमारा इसमें कि राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या है। तो राजनीतिक दलों की चुनौती सबसे पहले है वंशवाद, यानी वंशवाद यानी जब एक ही पीढ़ी जो है, एक ही वंश जो है अपनी पीढ़ी को ही आगे राजनीति में लेकर आता रहे और दूसरे योग्य नेताओं को जब आगे बढ़ने का अवसर ना मिले तो उसे वंशवाद कहते हैं। भारतीय राजनीति की ये प्रमुख समस्याओं में से एक है। दूसरा समस्या जो हमने जाति धर्म और लैंगिक मसले पार्ट में ही पढ़ी थी, सांप्रदायिकतावाद, वो भारतीय राजनीति की और भारतीय राजनीतिक दलों की एक प्रमुख समस्या है। क्रिमिनलाइजेशनवाद, हाँ, उसके अलावा भ्रष्टाचार जो है भारतीय राजनीतिक दलों की एक प्रमुख समस्या है। इसी तरीके से धन बल की समस्या, यानी मनी और मसल पावर, बाहुबली धन बली, हाँ, तो ये सब समस्याएं भी जो है वो भारतीय राजनीतिक दलों की एक प्रमुख समस्या है। अब इनमें एक ही समस्या को लेकर भी आप पे प्रश्न आ सकता है कि एमएलए को भी किडनैप करके ले जाया जाता है। तो वो है कि वंशवाद भारतीय राजनीतिक दलों की चुनौती कैसे है, समझाइए। तो तीन नंबर के क्वेश्चन में आपका ये भी अलग से आ सकता है। अब अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कोई उपाय बताइए जो सरकार ने किया हो। तो इसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने और चुनाव आयोग ने समय समय पर किया है। चुनावों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय कर रखी है। चुनाव में जो व्यक्ति 3 साल या उससे अधिक सजा याफ्ता है उसको कोई भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में अगर कोई अपना जो भी नेता जो चुनाव में खड़ा होता है उसको अपना पूरा डिटेल्स लोगों के सामने, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बताना होता है। तो अवेयरनेस के कारण ज्यादा ये संभव है, अदरवाइज ये कागजों में बहुत कुछ हद तक सीमित है। तो राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए सरकार ने समय समय पर बहुत सारे कठोर कदम उठाए हैं जिसके परिणाम हमें देखने को भी मिल रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। इसके अलावा अगला पाठ हमारा है लोकतंत्र के परिणाम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारी, हमने जो लोकतंत्र कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ा है उसका ये निचोड़ पाठ है कि लोकतंत्र वास्तव में हमें क्या देता है। तो लोकतंत्र के परिणाम क्या है, यानी रिजल्ट क्या है। तो लोकतंत्र के परिणाम को हम 3 रूपों में समझ सकते हैं और इन्हीं 3 रूपों से संबंधित एक प्रश्न आता है, वो है हमारा कि राजनीतिक लोकतंत्र के परिणाम क्या देखने को मिल रहे हैं, सामाजिक परिणाम क्या देखने को मिल रहे हैं और आर्थिक परिणाम क्या देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम राजनीतिक परिणाम लोकतंत्र के देखें तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आजादी है, ये लोकतंत्र का सबसे पहला राजनीतिक परिणाम है जो बाकी अन्य व्यवस्थाओं में देखने को कम मिलता है। दूसरा, लोकतंत्र की जो क्या कहते हैं राजनीतिक परिणाम में अगर हम देखें तो इसमें महिलाओं को भी उतने ही अधिकार मिलते हैं जितने पुरुषों को। लोकतंत्र के राजनीतिक परिणामों में हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो। तो ये राजनीतिक परिणाम है जो लोकतंत्र हमें उपलब्ध कराता है, अन्य व्यवस्थाओं में ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। अगर हम लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम कहें तो लोकतंत्र के आर्थिक परिणामों में लोकतंत्र जो है वो ये ज्यादातर ये देखने को मिला है कि लोकतंत्र जो है वो आर्थिक असमानता को दूर करने का एक बड़ा हथियार बन सकता है, यानी जो धन के आधार पर असमानता है उसको दूर किया जा सकता है। यद्यपि ये अलग बात है कि जिन जिन देशों में लोकतंत्र है वहां पर आर्थिक असमानता ज्यादा है, लेकिन लोकतंत्र फिर भी ये इस आर्थिक असमानता को दूर करने का एक हथियार बन सकता है। लोकतंत्र हर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए स्वतंत्रता देता है, यानी आप अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय कारोबार चुन सकते हैं, अपने आप को आगे अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। तीसरा है सामाजिक अधिकार। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र किस तरीके से व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखता है। तो सामाजिक समानता लोकतंत्र के परिणाम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखता है, ये विभिन्न समुदायों में आपस में सामंजस्य पैदा करता है, मिलजुल कर रहना सिखाता है, ये विविधता में एकता को सिखाता है, ये हर व्यक्ति के सम्मान को सिखाता है, ये आपस में एक अच्छे समाज की निर्माण करना सिखाता है जिसमें सब व्यक्ति मिलजुल कर रहे। तो लोकतंत्र के परिणाम में 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती है, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता। तो आज हमने इस 5 पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मैनिफेस्टो भी आता है क्या, चुनावी वादे अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसे आदे पहले आया करते थे कि चुनावी वादों से आप क्या समझते हैं, अब नहीं आते क्या?
नहीं आते ठीक है, वो अब मैनिफेस्टो वाला पॉइंट है। तो आज हमने 20 नंबर का ये पांच पार्ट जो हमारे आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 20 10 30 और इधर ये 6 36 नंबर हमने कवर कर लिया, 36 नंबर इसको कवर करने की कोशिश की। ओके थैंक यू मैम के थ्रू ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के दो चैप्टर्स को समझने की कोशिश करें, एक तो राजनीतिक दल, तो उसको पांच बेसिक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, राजनीतिक दल होता क्या है, जिसको हमने अभी समझा कि इसमें तीन चीजें शामिल होती हैं, एक नेता होता है, एक सक्रिय कार्यकर्ता होता है, अनुयायी होते हैं। इसी प्रकार से प्रकार जो है, जो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो एक दलीय, दो दलीय पॉलिटिकल पार्टीज की, तो वो हमने समझने की कोशिश की। फिर उन चैलेंजेस को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उनका समाधान कैसे निकाल सकते हैं, तो ये पार्ट इन पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बटा हुआ है। तो यही पांच क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं इस पार्ट में। अगर हम लास्ट पार्ट अपना देखें, लोकतंत्र के परिणाम है, तो इसमें लोकतंत्र के तीन परिणाम बेसिकली जो दिखाई देते हैं वो है सामाजिक परिणाम, जो सामाजिक समानता लोकतंत्र किस तरीके से लाता है, समाज के विभिन्न वर्गों को कैसे समानता प्रदान करता है, राजनीतिक समानता कैसे देता है, वो लोगों को कैसे आगे राजनीति में बढ़ने के लिए मौका देता है, तो वो सिर्फ लोकतंत्र में संभव है। आर्थिक परिणाम लोकतंत्र किस तरीके से उसको बढ़ाता है, किस तरीके से सामाजिक विषमता को दूर करने का काम, आर्थिक विषमता को दूर करने का काम करता है, गरीब अमीर के बीच की खाई को दूर करने का क्या प्रयत्न करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट समझ लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। वेरी गुड, थैंक यू। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में सभी बच्चों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।